दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24 प्लस न्यूज के खास विशेष एक अच्छा इंसान बनाने वाला, मानवता के सूत्र देने वाला, वैश्वीकरण की बातें करने वाला, हेल्थ के टिप्स देने वाला, लाइफ स्टाइल की बात बताने वाला, मानसिक स्वास्थ्य की बात बताने वाला, होलिस्टिक हेल्थ की बात बताने वाला, एक पूरा व्यवस्थित रूप से, समग्र रूप से मल्टी डायमेंशनल विषय देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर विचार विमर्श करते हैं, हर एक वर्ग के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, युवाओं के लिए, यूथ के लिए, महिलाओं के लिए, साक्षर लोगों के लिए, सभी के लिए हम जो है वो खुराक लेकर के आते हैं। और हमारी देशी भाषा में बात करें, 36 कौम के लिए हमारे पास खुराक पुनरुत्थान कार्यक्रम में दी जाती है। तो आज का विषय जो है बहुत ही सुंदर विषय है जो कि मनुष्य में जागृति ला सकता है। तो आज का हमारा विषय है क्षण क्षण शुभ का सृजन हो। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मानव जीवन एक बहुत ही अद्वितीय जीवन है, और जिसने मानव जीवन को प्राप्त कर लिया उसने विश्व का खजाना प्राप्त कर लिया, क्योंकि मनुष्य जो है इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। चार बातें मनुष्य जीवन के अंदर बहुत मुश्किल से मिलती है। एक तो मनुष्य जीवन स्वयं का मिलना, दूसरा है भगवान का चिंतन करने का, भगवान की वाणी सुनने का अवसर मिलना, और तीसरा है कि भगवान की वाणी के अंदर विश्वास करना। ईश्वर ने या हमारे स्क्रिप्चर्स के अंदर जो धार्मिक बातें बताई गई है, अपने अपने धर्म की बातें बताई गई है, उसमें विश्वास करना, और चौथा है विश्वास होने के बाद के अंदर उसको जीवन के अंदर ढालना जो है, ये मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उत्कृष्ट जो है वो उपलब्धि है। और मैं यहाँ जैन धर्म को कोट करना चाहूंगा कि जैन धर्म मुक्ति के लिए चार रास्ते बताता है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। पहले हम सम्यक दर्शन से चलें। सम्यक दर्शन का अर्थ होता है कि राइट फेथ, राइट बिलीफ, राइट विजन, राइट एटीट्यूड, हमारा रास्ता सही होना चाहिए। हमारे को अगर बॉम्बे जाना है तो हमको बॉम्बे की गाड़ी में बैठना है, और अगर हम दिल्ली की गाड़ी के अंदर बैठ गए तो बॉम्बे हम कभी भी नहीं जा सकते हैं। इसलिए हमारा रास्ता जो है सही होना चाहिए, हमारा एटीट्यूड, विजन और हमारा सम्यक, हमारी फेथ वो सही रहनी चाहिए। उसके बिना जो हमारी जो फाउंडेशन है वो गलत हो जाती है। और जब हमने सही दिशा को पकड़ लिया उसके बाद में सम्यक ज्ञान करना चाहिए। जिस विषय के अंदर हम चल रहे हैं, लौकिक जगत में चल रहे हैं, तो लौकिक जगत का जो हमारा विषय है उस विषय का हम ज्ञान को एलाबोरेट करते जाएं, उस ज्ञान को आगे से आगे डीपली समझते जाएं। और अगर हम दूसरे हमारे जो जो हमारा पारलौकिक जगत है, यानी हमारा भीतर का जगत है, अध्यात्म का जगत है, धर्म का जगत है, आत्मा का जगत है, उसके अंदर जो साधक लोग जाते हैं, साधना करने वाले होते हैं, तो उन लोगों को भी जो है वो उसका ज्ञान करना चाहिए। क्यों जो ज्ञान विशद होगा, क्यों त्यों व्यक्ति की जो है ये प्रज्ञा जागृत होगी, और प्रज्ञा जागृत होने के बाद में उसको आनंद की अनुभूति होगी, और उसका क्षण क्षण जो है वो सुख का सृजन होगा, आनंद का सृजन होगा। और उसके बाद के अंदर होता है सम्यक चारित्र। ऐसा कहा जाता है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ द करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। इसीलिए हमारा करैक्टर, हमारा चारित्र सबसे ऊंचा होना चाहिए। और कहा भी गया है, नानस सार माया रो, ज्ञान का सार आचार है। हम दुनिया भर का ज्ञान कर लें, चाहे आत्मा का ज्ञान कर लें, चाहे लौकिक जगत का ज्ञान कर लें, चाहे किसी भी विद्या का ज्ञान कर लें, लेकिन वो ज्ञान हमारे भीतर नहीं उतरता है अगर हम उसको हृदयंगम नहीं करते हैं या आत्मसात नहीं करते हैं, तो हमारे उपयोग ही नहीं है। कोई भी हम मेडिकल की जो टैबलेट लेते हैं, कैप्सूल लेते हैं, वो कैप्सूल अगर हमने न लिया या मुंह तक ही सीमित रहा, या उसको लेकर के थूक दिया और हमारे गले से नीचे नहीं उतरा, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में नहीं गया, तो हमें रिलीफ नहीं दे सकता। इसीलिए जो हमें जो ज्ञान हमारे पास में, वो आत्मसात होना चाहिए, वो भीतर उतरना चाहिए, वो शरीर के रोम रोम में चला जाना चाहिए, हमारी बुद्धि तक पहुंचना चाहिए, मन तक पहुंचना चाहिए, हमारा प्रज्ञा तक जाना चाहिए, वो हृदयंगम हो जाना चाहिए। तो भाई और बहनों, और एक तप
जो है सम्यक तप है वो हमारा शोधन करता है। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर सभी धर्म दर्शनों ने जो है शोधन का जो रास्ता बताया, प्योरिफिकेशन का रास्ता बताया, वो तप बताया। तप के द्वारा मतलब होता है तपना। जैसे हमारी जठरा अग्नि है, ये भोजन को तपाती और भोजन को पचाती है, उसी तरीके से तपने का अर्थ ये होता है कि हम जब कोई शरीर से कोई भी साधना करते हैं, चाहे मौन की साधना करो, चाहे ध्यान की करो, चाहे आप उपवास करो, चाहे सामायिक करो, आलोचना करो, प्रतिक्रमण करो, प्रत्याख्यान करो, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हम करते हैं, अपने अपने धर्म का अनुष्ठान करते हैं, तो क्या होता है, उस शुभ प्रवृत्ति के द्वारा हमारी आत्मा के साथ जो कारमण शरीर जुड़ा हुआ है, हमारा पुण्य पाप है जो हमारे कर्मों का बंधन, उसको ताप लगता है। और वो ताप लगने से उसके उसके साथ जो हमारे कर्म जुड़े हुए हैं, कर्म धीरे धीरे डिटैच होते जाते हैं, खुलते जाते हैं, शिथिलीकरण होता है, और वो खुलते खुलते जो है धीरे धीरे हमारी आत्मा जो बॉन्डेड है कैजुअल बॉडी से, लिंग शरीर से, कार्मण शरीर से, पुण्य पाप से, और इस पुद्गलों के जो है वो पूरे सिस्टम से जुड़ी हुई रहती है, वो अलग होने से प्योर होकर के वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त होती है। तप हमारा शोधन करता है। तो ये जो है वो सही रास्ता है। अब हमारा जो विषय है, क्षण क्षण शुभ का सृजन हो, भाई और बहनों, इसका अर्थ ये होता है हर क्षण हमारे भीतर पॉजिटिव थिंकिंग आए। अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग को रखते हैं, दो तरह की थिंकिंग होती है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, कौन सी रखनी ये आप पर निर्भर करता है, ये निर्णय आपका है। कोई भी बीज कौन सा बोना है ये निर्णय आपका है। किसान है, जब अच्छी बारिश हो जाती है और जमीन समतल कर दी जाती है, उसका निर्णय है कि वो कौन सा बीज बोए, बाजरा का बोए, तिल का बोए, मूंग का बोए, मोठ का बोए। लेकिन बोने के बाद के अंदर बाजरा का बुआ तो बाजरा का ही पौधा मिलेगा, गेहूं का नहीं मिल सकता। इसी कारण वो व्यक्ति बीज बोने में स्वतंत्र है, बट वंस ए टाइम व्हेन सीड हैज बीन इंजर्ड, ही इज लाइकली टू गेट इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, गेट इट्स इफेक्ट्स आल्सो। विदाउट द कॉज देर विल नॉट बी एनी इफेक्ट, विदाउट द रीजन देर बी नो वर्क एट ऑल। दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर, दिस इज ए यूनिवर्सल ट्रुथ, दिस इज ए सार्वभौम सत्य। इसीलिए हमें क्या करना है, इसका चिंतन करना, पहले हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है या नेगेटिव रखनी है, ये हमारा पुरुषार्थ कहलाता है। जितना जितना पुरुषार्थ हो अपनी जागृति होती है, और जितना जितना व्यक्ति जागृति में रहता है उतना उतना विकास करता है। और नेगेटिव थिंकिंग वाला व्यक्ति अपराध में चला जाता है, हिंसा में चला जाता है, चोरी में चला जाता है, कपट में चला जाता है, झूठ में चला जाता है, पाप में चला जाता है, और वो अधोगति को, निम्न गति को चला जाता है। दो रास्ते हैं भाई और बहनों, एक रास्ता ऊपर को जाता है, एक रास्ता नीचे को जाता है। ऊपर का रास्ता स्वर्ग को जाता है, मोक्ष को जाता है, और नीचे का रास्ता जो है वो जन्म को जाता है, नरक गति को जाता है। ये आपका निर्णय है, क्या आप नरक में जाना चाहते हैं, क्या आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं। अगर आपको स्वर्ग में जाना चाहते हैं, मनुष्य जीवन मिला स्वर्ग में जाने के लिए, मुक्ति के लिए। मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है जो कि मुक्त हो सकता है। 84 लाख जीवायुनि प्राणियों के अंदर कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो कि मुक्त हो सकता है, सिवाय मनुष्य के लिए। ये पट्टा मनुष्य को मिला है। और मुक्ति जो है वो सिद्ध बुद्ध मुक्त होने का मतलब होता है कि हम अनंत आनंद की अवस्था में चले जाते हैं, जहाँ पर दुख नाम की कोई चीज नहीं है, अक्षय सुख रहता है, और हम 24 घंटे अक्षय सुख में रहता है। जो हमारा विषय है कि क्षण क्षण शुभ का सृजन हो, इसका मतलब ये कि हम वर्तमान जीवन में मोक्ष को प्राप्त करें। यानी हमारे साथ में कितने भी बड़े कष्ट हो, लेकिन उन कष्टों में भी हमको दुख का अनुभव नहीं हो। वो तब कब होगा, जब हमारे भाव विधायक होंगे, जब हमारा विचार विधायक होंगे, जब हमारी सोच विधायक होगी। और जो देखिए, प्रकृति का बड़ा नियम, सजग बहुत सटीक नियम है कि आपने पॉजिटिव थिंकिंग किया तो इस कॉस्मोस से जो है, इस जो है वो इस सारी सृष्टि से, इस माँ से, नेचर माँ से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलना चालू हो जाती है, और रोम रोम के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, और हम प्रसन्न हो जाते हैं, हमारा बुरा चिंतन सारा रुक जाता है, हम भलाई के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं, हम परोपकार में चले जाते हैं, अच्छे कार्य करने में चले जाते हैं, माँ बाप की सेवा के अंदर चले जाते हैं, स्वाध्याय के लिए चले जाते हैं, लिखने पढ़ने में चले जाते हैं, अच्छे काम की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं, सेवा में चले जाते हैं। तो वो सारा पॉजिटिविटी से होता है। और
कोई व्यक्ति नेगेटिव थॉट रखता है तो ये सृष्टि माँ ये प्रकृति उसको नेगेटिविटी देती है, तो नेगेटिव होने से पूरे शरीर के अंदर नेगेटिविटी समा जाती है, वो दुख का कारण है, वो व्यक्ति को बुरा बनाता है, वो व्यक्ति वो है अनशन बोलने लग जाता है, उसके मन वचन काया दूषित हो जाते हैं, ये सारा शरीर जो है दूषित हो जाता है। ये शरीर हमारा जो है भगवान का मंदिर है, इसको दूषित नहीं करना चाहिए। भीतर हमारी शुद्ध आत्मा भगवान जो बैठा है वो ईश्वर है, और ये जो है शरीर है उसका मंदिर है, इस मंदिर को शुद्ध रखना चाहिए। वो मंदिर शुद्ध कब रहेगा? हमारे भाव शुद्ध रहेंगे, हमारी भावधारा जो है वो मुख्य चीज है। भावधारा से ही व्यक्ति का विकास होता है, भावधारा से ही व्यक्ति महान बनता है, भावधारा से ही व्यक्ति मुक्त होता है, भावधारा से व्यक्ति मोक्ष को जाता है। भावधारा को पकड़िए, जो सेंट्रल पॉइंट है, जिसके ऊपर जिसको हमको सेंटर में रखना है, हृदयंगम करना, आत्मसात करना है कि हम किसी के प्रति बुरा भाव न रखें। और बुरा भाव क्यों रखें? कोई सामने वाला व्यक्ति शराबी है, जुआरी है, और वो कहना चाहिए वो झूठ बोलता है, वो क्रोध करता है, गुस्सा करता है, वो उसके कर्मों के अधीन है, गाली देता है उसके कर्मों के अधीन है, उसका जीवन ऐसा ही है, उसके कर्म ऐसा ही है, कर्म उदयमा ऐसा कर रहा है, तो आप उसके प्रति ओपिनियन दे करके और उसके प्रति प्रतिक्रिया करके उसके प्रति भाव बिगाड़ करके अपने जो भीतर शुभ भाव है उसको अशुभ क्यों कहते हैं? जो ही आपने किसी प्रतिक्रिया की तो आपके भाव के बिगड़ जाते हैं। इसीलिए हर क्षण शुभ शुभ का अर्जन करने के लिए, हर क्षण शुभ का सृजन हो तो जो है हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान से उसकी साक्षी से जो है हर क्षण ये प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं हर क्षण जो है शुभ चिंतन करूं, मैं किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखूं, और प्राप्त मनोवचन का ऐसे जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख ना हो, दुख ना हो, दुख ना हो, और शुद्ध आत्मा अनुभव के अलावा इस संसार की कोई विनाशी चीज मुझे नहीं चाहिए। देखिए संसार के अंदर दो ही खाते हैं, एक अच्छाई का है, एक बुराई का है, एक शुभ का है, एक अशुभ का है, एक नरक गति का है, एक स्वर्ग गति का है, एक ऊंचे जाने का है, एक नीचे जाने का है, एक महान बनने का है और एक जो है वो नीचे गिरने का है, एक पापी बनने का है, एक पुण्यशाली बन, रस्ते दो ही है। तो उसी तरीके से ये सारी सृष्टि बनी है, दो चीजों से बनी है। इस चीज को बहुत हृदयंगम करिए, तभी आपके जो है थॉट शुद्ध रहेंगे, आपके भाव शुद्ध रहेंगे, आपके विचार शुभ रहेंगे, और हर क्षण शुभ का सृजन होगा। कि पहली चीज तो है कि जो इटर्नल है, जो कि शाश्वत है, अजर अमर अविनाशी है, वो चेतन तत्व है। ये जो चेतन तत्व शुद्ध आत्मा भगवान है, ये अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम है, और चारों तरफ आनंद ही आनंद वाला है, और ये अरूपी है, ये अजर है, ये अमर है, ये अविनाशी है, और ये आनंद का खजाना है। दूसरा पुद्गल, मैटर, परमाणु, ये सारा विनाशी है। जितना भी विनाशी तत्व दुनिया के अंदर है वो अलग अलग तरह का है। अविनाशी तत्व जितना भी शुद्ध आत्मा है, चाहे कीड़े का हो, मकेड़ा हो, मकोड़े का हो, चाहे राम का हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे महावीर का हो, चाहे बुद्ध का हो, चाहे वो पशु का हो, चाहे पेड़ का हो, उसके भीतर वही है। लेकिन उसने पेड़ का जन्म क्यों प्राप्त किया? उसने हाथी का जन्म क्यों प्राप्त किया? क्योंकि उसने ऐसे कॉजेज डाले हैं, ऐसे कर्म बीज डाले हैं, वो कर्म फल उसके बिना, उसके कारण वैसा शरीर मिला है। लेकिन जो भीतर विराजमान सबका एक है और ये शाश्वत सत्य है, इस सत्य को जानने से क्षण क्षण शुभ का अर्जन होता रहेगा। और पुद्गल विनाशी है, ये पुद्गल जो है विनाश होता रहता है, क्योंकि इसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस इस होता है, स्पर्श होता है, गलन मिलन धर्मा है, हर क्षण ये विनाश होता रहता है। लेकिन ये अविनाशी तत्व कभी विनाश नहीं होता, ये इटर्नल है, ये सार्वभौम है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये भूत में था, भविष्य में रहेगा, वर्तमान में, लेकिन ये बदलता रहता है, ये नाशवान है। तो नाशवान तत्व जितना भी है वो इन संजोगों के अधीन है, सारे संजोग मिलकर के इस नाशवान तत्व को चलाते हैं, और ये नाशवान तत्व को गलन मिलन करते हैं, मिलाते हैं, जोड़ते हैं, तोड़ते हैं, संजोग मिलते हैं। जब भी हमारा कार्य होता है, हम दुनिया के अंदर बहुत से कार्य करना चाहते हैं, बहुत बड़े बनना चाहते हैं, लेकिन संजोग नहीं मिलते हैं तो हम बड़े नहीं बन सकते हैं। जैन धर्म को कोट करना चाहूंगा तो जैन धर्म ये कहता है कि इस संसार की कोई भी छोटी बड़ी गतिविधि है वो पांच चीजों के एक साथ मिलने से ही होती है। अंगुली हिल रही है, पांच फैक्टर साथ मिलते हैं, काल,
स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूं। कोई बच्चा मैट्रिक की परीक्षा देना चाह रहा है, वो काल 14 साल का हो चुका है, उसने फॉर्म भर दिया है। स्वभाव, इसका मतलब उसमें बहुत योग्यता, स्टूडियस है। और कर्म, उसका जो है बहुत अच्छा जो है उसका कर्म साथ दे रहा है। फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, फोर्थ टेस्ट, सभी में अच्छे मार्क्स लाते जा रहा है हाफ ईयरली के अंदर। इसका मतलब उसका फेट, उसका भाग्य, उसका लक साथ दे रहा है। और पुरुषार्थ, वो रात दिन पढ़ता है, उसका एक लक्ष्य है कि मुझे मैट्रिक की परीक्षा है, बहुत फर्स्ट अव्वल नंबर से पास करनी। आप देखिए, पांचवा नियति है, रात के अंदर सोकर के सुबह उसको एग्जाम देने जाना होता है, 110 डिग्री का बुखार हो जाता है, उसकी ऐसी स्थिति होती है कि उठने की भी स्थिति नियति है। ये नियति उसका साथ नहीं दे रही है, वो परीक्षा नहीं दे सकता और मैट्रिक की परीक्षा नहीं, वो चाह रहा है। सब कुछ, चारों फैक्टर्स को सहयोग कर रहे हैं, नियति सहयोग नहीं करती। ये सारे संजोग है, हमारा कोई भी कार्य संजोग के अधीन है, हमारे हाथ में नहीं है, हम करता नहीं है। ये फालतू आरोपण करते हैं कि मैंने ऐसा किया, मैंने घर बनाया, मैंने मकान बनाया, मैंने धन इकट्ठा किया, मैंने संपत्ति इकट्ठी की, मैं बड़ा बना, मिनिस्टर बना, प्राइम मिनिस्टर बना, और जो प्रेसिडेंट बना। अरे भाई, सब लोग मिलकर के आपको बनाते हैं। एमएलए बना तो कितने लोगों ने वोट दिया, जब जाकर के आप एमएलए बने। बहुत से संजोग मिलते हैं, किसी में कम संजोग होते हैं, किसी में ज्यादा मिलते हैं, और वो संजोग नहीं मिलते हैं तो आप एमएलए नहीं बन सकते, पास नहीं हो सकते, और किसी भी गतिविधि के अंदर जो है वो आप सक्सेसफुल नहीं रह सकते। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आज के एपिसोड को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जोड़ता हूं तो क्षण क्षण शुभ का सृजन हो। इसका अर्थ यह है कि आप जो है जीवन के अंदर लक्ष्य बना दीजिए कि मैं ऐसा पॉजिटिव थिंकिंग रखूंगा, जितनी भी नेगेटिव थिंकिंग है उसको दूर रखूंगा। और देखिए कितना फॉर्मूला है कि जितनी जितनी पॉजिटिविटी बढ़ती है उतना उतना प्योरिटी बढ़ती है, और जितनी जितनी प्योरिटी बढ़ती है उतना उतना हमारी आत्मा उज्ज्वल होती है, उज्ज्वल होते होते सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाती है और हम प्रसन्न रहते हैं, हम महान बनते हैं। और व्यक्ति इस दुनिया के अंदर छाप छोड़ के जाता है, उस व्यक्ति ने कितना बड़ा कार्य किया, वो व्यक्ति महान हुआ, क्योंकि अच्छे कार्य करके जाता है। और अच्छा कार्य वही करता है जो पॉजिटिव थिंकिंग वाला हो, जो क्षण क्षण का सुख का सृजन करने वाला हो, वही व्यक्ति महान बन सकता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, देखिए, टू एयर इज ह्यूमन, मनुष्य जो है गलती का पुतला है, हमारे क्षण क्षण गलती होती रहती है, किसी के प्रति बुरा भाव आ जाता है और किसी के प्रति नेगेटिविटी आ जाती है तो तुरंत उसका समाधान कर दीजिए, उसका हिसाब चुकता कर दीजिए कि वो व्यक्ति सामने है तो भैया मेरे से गलती होगी, मैं क्षमा चाहता हूँ, और व्यक्ति सामने नहीं है तो उसकी शुद्ध आत्मा भगवान को जो है साक्षी मानकर उसको कहिए, क्योंकि हर एक की शुद्ध आत्मा है, जो जीवित प्राणी है हर एक की शुद्ध आत्मा है, वो अव्यवाद है, वो हमारी भाषा जानती है, ये शुद्ध आत्मा शुद्ध है, सामने वाली शुद्ध है, किसी का बुरा नहीं करती, सामने वाली बुरा नहीं करती, ये हरे को क्षमा करती है, वो हरे को क्षमा करती है। आपने उसकी आत्मा से, शुद्ध आत्मा की साक्षी से कहा मुझसे गलती होगी तो उसकी आत्मा तुरंत माफ कर देगी आपको। तो अपना शुद्धिकरण तुरंत करते जाइए, उसको प्रतिकरण बोलते हैं, अपने आप को धोते जाइए, शुद्ध होते जाइए और नेगेटिविटी को इकट्ठा मत कीजिए। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको एक टिप्स देना चाहता हूं, हमारे युवाओं को और हमारे जो लोग देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपना जीवन का सफल बनाना चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व विकास करना चाहते हैं, महान बनना चाहते हैं और अपने जीवन के पीछे कुछ स्मृति छोड़ना चाहते हैं, अपनी फ्रेग्रेंस महक छोड़ना चाहते हैं, तो उनको एक ही बात कहूंगा कि आप नेगेटिविटी को छोड़िए, पॉजिटिविटी को, अपने भावों को विधायक रखिए। मैं टीचर होने के नाते जब क्लास प्रारंभ करता हूं तो अपने स्टूडेंट को 3 स्लोगन देकर के मेरी क्लास प्रारंभ करता हूं, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव और बी पॉजिटिव। इसके अंदर सारी दुनिया का ज्ञान समा गया कि आप पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव करिए तो आप पॉजिटिव बन जाओगे, और आप पॉजिटिव है तो इस दुनिया की कोई भी बुरी सी बुरी शक्ति जो है आपका कुठारा घात नहीं कर सकती, बुरा घात नहीं कर सकती। आपके पास में जितना भी वातावरण जहां आप काम कर रहे हो सब आपके अनुकूल होगा। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, कृतज्ञ। पुनरुत्थान कार्यक्रम आप देखते रहिए, पुनरुत्थान कार्यक्रम प्रतिदिन नए नए एपिसोड लाता है। हमारा मुख्य उद्देश्य है सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से, राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम व्यक्ति को सुधारना चाहते हैं, हम समाज में अवेयरनेस लाना चाहते हैं, कितना इफेक्टिव होती है ये बात दूसरी है, लेकिन हमारा लक्ष्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो, और आप
सतायु होकर के खूब अपने परिवार के साथ रहते हुए समाज का परोपकार करें, समाज की सेवा करें। आपके प्रति मंगल भाव।